अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे कि आप अपना फेसबुक अकाउंट सिर्फ 35 से 40 सेकंड में कैसे अनलॉक कर सकते हैं जो कि फेसबुक की तरफ से लॉक्ड हो चुका हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल नॉलेज जोन को विजिट कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह की इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त साथ लगे घंटी के निशान पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मौजूद नाज़रीन, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक फेसबुक अकाउंट है जो कि लॉक्ड हो चुका है, तो आपने कैसे इस अकाउंट को अनलॉक करना है। इस अकाउंट के नीचे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, यहाँ आप टैप कर दें और उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ नीचे फिक्स नाउ का ऑप्शन है, यहाँ टैप कर दें। उसके बाद अर्न आन वाले ऑप्शन पर टैप कर दें। अब आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे जिनमें एक ऑप्शन जो कि सबसे आसान है वो ये है कि आपको टेक्स्ट मैसेज के जरिए कोड भेजा जाएगा। आप टेक्स्ट मैसेज पर टैप करके नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर टैप कर दें तो आपके सामने आपकी फेसबुक आईडी पर इस्तेमाल होने वाले नंबरों की लिस्ट आ जाएगी। आप इनमें से कोई भी नंबर चूज करके उस पर कंटिन्यू कर दें, या नंबर नहीं है तो ऐड फोन नंबर का ऑप्शन है, नंबर ऐड कर दें। अब इंतज़ार करें कि आपके नंबर पर कोड आएगा, वो कोड आपने इंटर कर देना है और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर टैप कर देना है। अब चूंकि सक्सेसफुली आपने अपना कोड एंटर कर दिया है और वेरीफाई हो चुका है तो डन पर टैप कर दें। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, नॉट नाउ और यूज नंबर का। नॉट नाउ पर टैप कर दें। यहाँ आपको एड्स वगैरह दिखाने की इजाजत मांग रहे हैं तो आप इजाजत ना दें। नॉट नाउ पर टैप करने के बाद आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ आ रहा है यू आर गुड टू गो, मतलब अब सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। डन पर टैप कर दें। अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा लिखा हुआ रहा है योर पासवर्ड इज ओके, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन। नीचे फिनिश का ऑप्शन है, फिनिश पर टैप कर दें और डन पर टैप कर दें। फिर उसके बाद आपने रिफ्रेश करना है अपने इस अकाउंट को। ये देखिए, जैसे ही मैं अपने कंप्यूटर पर फेसबुक अकाउंट को रिफ्रेश करूंगा तो मेरा अकाउंट अनलॉक हो चुका है। कंटिन्यू पर सिर्फ टैप करना है। जैसे ही मैं टैप करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा फेसबुक अकाउंट अब अनलॉक हो गए, ओपन हो चुका है। अब मैं यूज कर सकता हूं अपने फेसबुक अकाउंट को। दोस्तों, यही सेम तरीका मैंने अपने मोबाइल पर जब इस्तेमाल किया तो उस मोबाइल पर कोड भी आया और कोड लग भी गया, लेकिन मेरा फेसबुक अकाउंट अनलॉक नहीं हुआ। मैंने सिंपली सिर्फ लैपटॉप पे यही प्रोसेस किया तो मेरा अकाउंट अनलॉक हो गया है। तो यही तरीका अगर आपके मोबाइल पर है तो काम कर जाता है तो वेल एंड गुड, अगर काम नहीं करता तो आप कंप्यूटर के जरिए अपने अकाउंट को आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी दीजिएगा। शुक्रिया।